नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, कोई दवा ढूंढ रहे हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो और वजन कम करने में मददगार हो, तो ऐसी ही एक दवा के बारे में जो कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर वेट लॉस, इस वीडियो में हम बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे कि इसकी सही डोसेज क्या होनी चाहिए, किस तरह से वेट लॉस में सहायक होती है और अगर इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की इमेज इम्प्रूव करते हैं। तो जिस दवा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसे हम क्लेम कर रहे हैं कि ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर वेट लॉस, उसका नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। अब मैं इसे बेस्ट क्लेम क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो समझने की कोशिश करिए। पहली बात, ये दवा केवल होम्योपैथी में ही नहीं मैनुफैक्चर करी जाती, इस दवा का आयुर्वेद में बहुत बड़ा रोल है फॉर वेट लॉस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इनफैक्ट जो मॉडर्न मेडिसिन में जो मैनुफैक्चरर्स हैं, अब वो जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं एज फैट कटर। तो आप समझ लीजिए, जब इतने सारे लोग इस दवा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, नहा धोकर पड़े हैं और इसे फैट कटर बोल रहे हैं, तो भाई होम्योपैथी में अगर कोई मैन्युफैक्चरर इस दवा को बना रहा है तो ऑब्वियसली ये भी होम्योपैथी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ही होगी। नंबर टू, इस दवा का काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा है कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं छोड़ती बॉडी के ऊपर और इसके रिजल्ट्स भी जल्दी दिखाई देते हैं अगर मरीज़ कुछ बातों का ध्यान रखे और थोड़ा सा उन नियम के ऊपर पालन करे जो नियम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि किसी भी मेडिसिन को अगर हमें वेट लॉस की बेस्ट मेडिसिन क्लेम करना है तो उसके रिजल्ट्स हर पेशेंट के ऊपर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में किसी तरह की बीमारी है तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसी दवा भी चाहिए जो चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर सिर्फ वेट लॉस की परेशानी है तो उसके लिए इस्तेमाल करी जाए तो उसमें रिजल्ट दे, इररेस्पेक्टिव कि मरीज को और क्या क्या बीमारियाँ हैं, बशर्ते मरीज कुछ नियम और शर्तों का पालन करे जो कि उसके डाइट और मैनेजमेंट के तौर पर मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसीलिए मैं इस दवा को बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बोल रहा हूँ फॉर वेट लॉस। अब देखिए, ये जो दवा है इसको वृक्षामला बोलते हैं आयुर्वेद में। ये बेसिकली एक मीडियम साइज़ का एक प्लांट है, प्लांट कहेंगे या फिर से आप पेड़ भी कह सकते हैं, मीडियम साइज़ का एक पेड़ है जिसके ऊपर कोई फल निकलता है जो कि दिखने में आंवला के जैसे दिखाई देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वृक्षामला। अभी जो वृक्षामला है, इसके जो जो फ्रूट होता है, इस फ्रूट के अंदर के गूदे को इस्तेमाल किया जाता है दवा के प्रिपरेशन के लिए। ये दवा दिखने, ये जो पौधा के फ्रूट होता है ये दिखने में हरा, हरे के बाद पीला और फिर पर्पलिश हो जाता है और पर्पलिश होने के बाद ही या बैंगनी कलर का होने के बाद ही इसके गूदे को निकालकर दवा की तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रेफर किया जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे गार्सिनिया कंबोजिया के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, गार्सिनिया कंबोजिया या वृक्षामला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है हाइड्रोसिट्रिक एसिड। अभी हाइड्रोसिट्रिक एसिड यानी HCA जो होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो आप गार्सिनिया कंबोजिया का ले रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा HCA होगा उतनी ज़्यादा ये दवा जो है बेनिफिशियल होगी फैट कटर के तौर पर। क्यों? क्योंकि जो HCA होता है ये सिट्रेट लाइज नाम का एक एंजाइम होता है जिसको बॉडी में डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर फैट का स्टोरेज होता है वो कम होने लग जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एंजाइम सिट्रेट लाइज ये हमारी बॉडी में फैट के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब कोई भी दवा ली जाए जिसके अंदर HCA मौजूद हो, यानी अगर वृक्षामला या फिर जो गार्सिनिया कंबोजिया का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा HCA होगा वो उतना ही कम आपके सिट्रेट लाइज को रखेगा, जिसकी वजह से नए फैट जो आपकी बॉडी के अंदर आके स्टोर हो रहे हैं उसके स्टोरेज वो कम होने लग जाएंगे, डिप्लीट करने लग जाएंगे। तो समझ लीजिए अपने आप आपका वजन कुछ हद तक कम होगा। दूसरा बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन यानी हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली पेशेंट को एक गुड फीलिंग ऑफ गुडविल महसूस होती है और उसका खुद बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं करती है।
तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हाई रिच एंटीऑक्सीडेंट्स की दवा है, तो ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बढ़ाएगी, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होती रहेगी हमेशा, आपको थकान कमजोरी कम महसूस होगी, और आपके अंदर जो बॉडी नॉर्मल बॉडी एनर्जी होती है ना, एक एंथुजियाज्म होता है कोई काम करने का, वो एंथुजियाज्म हमेशा बढ़ा रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स को भी कम करते हैं, और साथ में जो हाइपर एसिडिटी लेवल्स होते हैं किसी किसी पेशेंट में, हाई गैस्ट्राइटिस होती है, उसको भी कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पेशेंट को गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेट फूला फूला रहता है, तो उसमें भी इस दवा को लेने से इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा ये क्या करती है कि आपके एपेटाइट को सेरोटोनिन के हिसाब से वो डिक्रीज करती ही है, साथ में जो मंचिंग करने की बार बार एक टेंडेंसी बन जाती है पेशेंट की, उस मंचिंग पे भी रोक लगाती है। इसका रीज़न क्या है, जो आपका सलाइवेशन हो रहा है ये आपके सलाइवेशन को मेंटेन रखती है। अगर आपका गला सूखेगा या थ्रोट ड्राई होगा, मुंह ड्राई होगा, तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, तो हमेशा मन करेगा कुछ खा लें कुछ खा लें, जबकि सलाइवा ज़्यादा बने, तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो ये क्या करती है, सलाइवेशन को थोड़ा सा बढ़ाती है, जिसकी वजह से मुँह आपका ड्राई नहीं रहता और आपका बार बार मंचिंग करने का मन नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। तो जो लोग गासिनिया कंबोजिया लेंगे, अगर वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो प्ले करते हैं, या फिर कुछ मेल हैं या फीमेल हैं जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ हद तक डिक्रीज्ड है, तो उसमें भी ये, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, वजन भी कम करती है, फीलिंग सेरोटोनिन को भी बढ़ाती है, फीलिंग ऑफ गुडविल भी मेंटेन करती है, तो हर तरह से कहीं ना कहीं ये आपके जो सेक्सुअल लाइफ है उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाती है। साथ में अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक दवा के, इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरर्स बहुत यूज़ करते हैं। आप समझिए किस किस तरह से गासिनिया कंबोजिया आपको मार्केट में मिलेगी। देखिए टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी, नॉर्मल आप गोली खा लीजिए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में भी बनाते हैं और आयुर्वेद में भी बनाते हैं। आयुर्वेद में हिमालय वृक्षामला के नाम से आपको ये दवा मिलेगी, और अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में होम्योपैथी में मिलती है, जिसे हम गासिनिया कंबोजिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस दवा के बारे में, ये होम्योपैथी में मिलती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए मार्केट में जब भी, मैंने आपको बता दिया आपको चाहिए HCA, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर जो गासिनिया कंबोजिया से बना है या वृक्ष आंवला से बना है, जिसमें HCA 40% एंड अबव होता है, वो प्रोडक्ट अच्छा होता है। यानी जितना ज़्यादा HCA उतना ज़्यादा जो दवा है उसका रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि गासिनिया कंबोजिया जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, डॉक्टर भार्गवा एक कंपनी है, भार्गव फाइटो लैब्स, ये बनाती है इंडिया के अंदर, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रही हैं गासिनिया कंबोजिया, ये क्लेम करते हैं कि इसमें 50% से ज़्यादा HCA है। तो अब आप समझ लीजिए, जब इसके अंदर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में HCA है तो ऑब्वियस बात है इसका रेस्पॉन्स ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जो टैबलेट फॉर्म में बनता है वहाँ पे क्या होता है, वृक्ष आंवला को सुखा कर और उसके बाद उसे इस्तेमाल किया जाता है पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए, जबकि होम्योपैथी में जो ऑलरेडी जो ये फ्रूट होता है इसका गूदा निकाल कर उससे टिंचर बना के और फिर उस टिंचर को इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर करके, अल्ट्रा फिल्ट्रेट करके गासिनिया कंबोजिया बनाने के लिए। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, फ्रेश फ्रूट से बनी हुई दवा और ड्राइड फ्रूट से बनी हुई दवा में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर आएगा। फ्रेश फ्रूट की दवा के अंदर जो एल्कलॉइड्स होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए जो प्रोडक्ट भार्गव फाइटोलैब्स बना रही है, होम्योपैथी में यही कंपनी गासिनिया कंबोजिया प्रॉपर तरह से मैन्युफैक्चर कर रही है, इसीलिए इस दवा के बारे में और इस मैन्युफैक्चरर के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो जब आप 50% से ज़्यादा HCA वाली भार्गव फाइटोलैब्स की द्वारा बनाई गई गासिनिया कंबोजिया लेंगे, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। अब सवाल उठता है इसकी डोसेज के बारे में। देखिए अगर आप एक एडल्ट हैं, एडल्ट का मतलब हो गया अगर आप 25 साल से ज़्यादा बड़े हैं और 25 टू 50 की एज ग्रुप के हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, तो आपको इसकी 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे के बाद आधा कप गुनगुने पानी में डाल के इस्तेमाल करनी है रेगुलरली, चाहे आपको उसके अलावा कोई और बीमारी है या नहीं, वो बात की बात है। ये किसी भी बीमारी के समय किसी भी दवा के संग में इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए आप इस दवा को कॉशियसली आराम से ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जो 55 एंड अबव के एडल्ट्स हैं, उनको क्या करना है, उनको अगर ज़्यादा फैट, उनका फैट बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है या भूख बिल्कुल नहीं लगती, या उन्हें फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए डोसेज के बारे में, उसके बाद ही डोसेज लीजिए। मेरे हिसाब से आप इस दवा की केवल 10 ड्रॉप्स रखिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद उन्होंने पानी में डाल के लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
अगर जो बच्चे हैं यानी अगर 25 ईयर्स से बिलो के जो पेशेंट्स हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी से गेन हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा 15 साल से कम के बच्चों को ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। 15 से 25 साल के बच्चे अगर खूब ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर तौर पे, तो वो इस दवा को कंज्यूम करें, और वो भी 10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इस दवा को ना लें, एक्सरसाइज के साथ में इस दवा को लेंगे रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे। ऐसे में आप दवा की डोसेज 10 से 15 बूंद तक लेके जा सकते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो केवल 10 बूंद दवा आपके लिए बहुत है। ये हो गई बात डोसेज की। अब सवाल उठता है कैसे मिलेंगे आपको बेस्ट रिजल्ट्स गार्सिनिया कंबोजिया से, क्या करना चाहिए। देखिए, आप चाहे कुछ करें या ना करें, सबसे पहले आपको अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना है कम, चावल कम, आलू कम। आपकी जो शुगर इंटेक्स हैं, शुगर इंटेक आप अपने कम रखेंगे। आप रोटी जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में कार्ब्स जाएंगे, तो आपको रोटी दिन में केवल 2 ही बार खानी है। चावल अगर आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो माड़ निकले हुए चावल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। और प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना है, जैसे दाल खाइए, या जो लोबिया होता है, मूंग की दाल होती है, या काले चने होते हैं, उबले हुए नॉर्मल चने होते हैं, या एग्स आप ले सकते हैं, एग वाइट जिसे हम बोलते हैं। अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो रेड मीट या वाइट या रेड मीट या फिर वाइट मीट। इसके अलावा फिश, ये आप रोस्टेड लेना प्रेफर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कुछ करें या ना करें, आप अपनी एज के हिसाब से कम 3,000 कदम से लेके 5,000 कदम तक ज़रूर चलें। मतलब अगर आप छोटे बच्चे हैं या नहीं, 15 साल से 25 साल के बीच का कोई बच्चा है, तो कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 5,000 स्टेप ज़रूर चलें। अगर आप 25 से 55 के एज ग्रुप के हैं, तो आप 5 से 8,000 कदम के बीच में अपना एक ट्रैक मेंटेन करिए, दिन में 2 बार के हिसाब से चलिए या 1 बार के हिसाब से चलिए। लेकिन अगर आप 55 ईयर्स एंड अबव हैं, तो केवल 2,500 कदम सुबह शाम के हिसाब से वॉक करिए। तो अगर आप सिर्फ इतनी सी ही चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और आप इस दवा को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इररेस्पेक्टिव कि आपको बीमारी क्या है, आपको वेट लॉस ज़रूर होगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन दवा है। हर तरह आप अगर नेट पर रिसर्च ढूंढेंगे तो आपको गार्सिनिया के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज मिल जाएंगी, प्रॉपर रिसर्च लिटरेचर मिल जाएगा। बहुत लोगों ने इस्तेमाल करी है, अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करी है, लेकिन होम्योपैथी में गार्सिनिया कंबोजिया जो बन रही है वो सिर्फ भार्गव फाइटोलैब्स बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि इसके अंदर HCA भी ज़्यादा है, इसीलिए इसका रेस्पॉन्स भी बेहतर है। तो अगर आप इस बातों से संतुष्ट हैं इस वीडियो की, तो प्लीज़ थम्सअप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए जुड़िए और हम आपके लिए कुछ नया सीखेंगे, ताकि हम आपको कुछ नया सिखा सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।